एक नानकडो टॉपिक छे रसाभास। रस घटको औचित्य पूर्वक प्रवृत्त न थवाथी भावक ने रसनी अनुभूति नथी थती, एनो आभास थाय छे अने रस परिपाक थई शकतो नथी। आ स्थिति ने संस्कृत काव्य शास्त्र रसाभास तरीके ओळखे छे। फरी एक वार, रस घटको औचित्य पूर्वक प्रवृत्त न थवाथी भावक ने रसनी अनुभूति न थता एनो आभास थाय छे। रसनी अनुभूति नथी थती, मात्र आभास थाय छे, एने रसाभास कहे छे। अभिनव गुप्ते छीप मां थता रजतना आभास साथे आ स्थिति ने सरखावी छे। रजत एटले चांदी। विद्वानों मां रसाभास थता रस दशा टके छे के नष्ट थाय छे ए विषय विवाद छे। छता अभिनव गुप्त अने जगन्नाथ जेवा आचार्योए अनेक तर्क थी सिद्ध कर्यु छे के रसाभास मां पूर्णतया रसनो अभाव होतो नथी। प्रतीति काल में अनौचित्य बाहर आवता अनुभूति आभासी बनी जाए छे। अभिनव गुप्तना मते अनुचित रूप थी प्रवृत्त स्थायी भावनो आस्वाद ए रसाभास छे। फरी एक वार कहू छू, अभिनव गुप्तना मते अनुचित रूप थी प्रवृत्त स्थायी भावनो आस्वाद ए रसाभास छे। तो मम्मट रस अने भावोना अनुचित प्रवर्तन ने रसाभास कहे छे। जगन्नाथ अनुचित भावना संवेदन ने रसाभास कहे छे। तो विश्वनाथ अनौचित्यना उदाहरण रूपे श्रृंगार आभास हेठळ उपनायक रति, गुरु पत्नी रति, बहुनायक रति, पशु पक्षी निष्ठ रति एनी अंदर समावी ले छे। वास्तव मां अनौचित्यनो आधार लोक व्यवहार, लोकादर्श के शास्त्र छे। एनाथी विपरीत आचरण अनौचित्यनु कारण बने छे। एटले रसाभासनु निरूपण रसना सामाजिक महत्वने प्रतिष्ठित करे छे। बीजी रीते कहेवू होय तो रसाभासनी अभिधारणा समाज सापेक्ष सिद्ध थाय छे। 13मी सदीमां शिंग भूपाले रसाणव सुधाकर ग्रंथमां आना विषे वधारे विगते चर्चा करी छे।